हिंद महासागर में अपनी बुरी नजर रखने वाले और भारत को घेरने का सपना देखने वाले चीन और उसके पिट्टू देश पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आई है, क्योंकि लगातार हिंद महासागर में चीन बढ़त बनाए हुए था। लेकिन जिस तरह से भारत को हिंद महासागर में दूसरे देशों का साथ मिल रहा है, वो हिंद महासागर में भारत की सामरिक ताकत को बढ़ाने का काम कर रहा है और इसने चीन और पाकिस्तान को दिक्कत में डाल दिया है। आज हम अपने इस वीडियो में भारत की हिंद महासागर में बढ़ती ताकत के बारे में बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। चीन और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, हिंद महासागर में बढ़ी भारत की ताकत। दरअसल छोटे देशों को मजबूर कर अपना हित साधने वाला देश चीन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र से एक बुरी खबर आई है, जिससे चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी गहरा धक्का लगा है, क्योंकि समुद्र के रास्ते चीन लगातार भारत को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ था और उसमें पाकिस्तान लगातार चीन का साथ दे रहा था। इसके साथ ही चीन छोटे देशों पर भी लगातार दबाव बना रहा था, जिसने भारत के सामने एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी थी। लेकिन भारत की सामरिक नीति ने एक बड़ा धक्का चीन और पाकिस्तान को दिया है। इस बार भारत को हिंद महासागर में मेडागास्कर का साथ मिला है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में एक अहम साझेदार है, और इसी दोस्ती ने चीन के कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल भारत हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से अहम देश मेडागास्कर की नौसेना के साथ समुद्री गश्त कर रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मेडागास्कर की नौसेना भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के साथ पेट्रोलिंग कर रही है। भारतीय नौसेना की तरफ से इस मिशन में INS शार्दुल शामिल हुआ है, जबकि मेडागास्कर की तरफ से तोरो जूना ने हिस्सा लिया। हिंद महासागर के महत्वपूर्ण इलाके में भारतीय नौसेना की मौजूदगी से चीन और पाकिस्तान दोनों की परेशानी बढ़ने वाली है। एक दिन पहले ही भारत ने मेडागास्कर को 1000 टन चावल और 1,00,000 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की टैबलेट सौंपी थी। बता दें कि मेडागास्कर के दक्षिणी इलाके में भीषण सूखा पड़ा है, जिसकी वजह से भारत ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए हिंद महासागर के इस देश को सबसे पहले सहायता उपलब्ध कराई। इस मदद को लेकर मेडागास्कर पहुंचे भारतीय नौसेना के जहाज INS जलाश्वय को रिसीव करने खुद प्रधानमंत्री लुईस नेत्से पहुंचे हुए थे। हिंद महासागर में चीन भी बढ़ा रहा अपनी ताकत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के साथ मेडागास्कर के आने से चीन सदमे में। हाँ, चीन को धक्का जरूर लगा है, लेकिन चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी और ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। मेडागास्कर और कोमोरोस के भू राजनीतिक महत्व को स्वीकारते हुए जहाँ चीन अपनी कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी संबंधी गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहा है, ऐसे में विदेश मंत्रालय ने हिंद महासागर के देशों श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशियस और सेशेल्स को एक डिवीजन के अंतर्गत लाने का फैसला लिया था। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए इंडियन ओशियन रीजन डिवीजन के गठन का भी फैसला लिया था। हालांकि मेडागास्कर 2019 से दोनों देशों के बीच एक रक्षा अधिकारी की नियुक्ति का इंतजार कर रहा है। रक्षा मंत्रालय को जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। भारत ने 2018 में मेडागास्कर के साथ एक रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत उन्हें मेडागास्कर की रक्षा कर्मियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए कई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए कहा गया था। चीन की ओर से भी कहा गया है कि वो सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नजर रखने के लिए मेडागास्कर में एक रक्षा अटैच नियुक्त करने पर भी विचार किया जा रहा है। भारत और चीन दोनों के लिए भू सामरिक द्वीपों के साथ द्विपक्षीय जुड़ाव को तेज करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी नौसेना की उपस्थिति को बढ़ाते हैं। मेडागास्कर और भारत की दोस्ती से चालबाज चीन को लगने लगा जाए। हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहे चीन को उस वक्त करारा झटका लगा जब भारत और मेडागास्कर के बीच दोस्ती की नई इबारत लिखी गई, कि लंबे वक्त से हिंद महासागर में मौजूदगी बढ़ा रहे चीन की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। यही वजह है कि चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने मेडागास्कर में भारत की मौजूदगी पर खीज निकालते हुए कहा कि नई दिल्ली पश्चिमी हिंद महासागर में बीजिंग के कथित प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मेडागास्कर और कोमोरोस के साथ अपनी सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ा रहा है। हालांकि इस क्षेत्र के देशों को नई दिल्ली के प्रयासों में दिलचस्पी नहीं हो सकती, जो उन्हें भारत के पक्ष में खींच सके। चीनी मीडिया ने मेडागास्कर और कोमोरोस को उकसाते हुए लिखा कि दोनों देश संप्रभु राष्ट्र हैं। उन्हें अपनी विदेशी नीतियों को स्वयं बनाने और अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों को स्वयं करने का अधिकार है। वे आंखें मूंद कर खुद भारत के साथ नहीं आएंगे। इसके अलावा इन देशों ने हमेशा चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं, क्योंकि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उचित भूमिका निभाने के लिए सक्रिय रूप से उनका समर्थन करता है।